हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियली। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने बनाया है नाश्ते में चाय बनाया और छोला बनाया। और ये देखिए मुझे निकल गया यहाँ पे, सब मुझे बुखार होता है ना, बुखार की वजह से मुझे ऐसे यहाँ पे निकल गए, छोटे छोटे दाने निकल गए हैं, तो बहुत खराब लग रहा है मुझे, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो अपना बना नहीं रही थी। अभी हल्का सा ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ये तो सोचा मैंने अपने वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। अब जल्दी ठीक तो होने वाला नहीं, तो काफी टाइम जाएगा ठीक होने में, तो मैं सोची कब तक अपना वीडियो बंद रखूंगी, तो मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया। और ये देखिए मैंने बनाया छोला, इनको दिए थे, खा लिए हैं, अभी जा रही हूँ मैं, खाऊंगी और खा के चाय पीऊंगी, छोला खाऊंगी और चाय पी लूंगी। उसके बाद जाना है मुझे बाबू को आज पिलाना है पोलियो। अगर देखती हूँ अगर आज टाइम मिलेगा तो हेयर कट करवा लूंगी बाबू का, नहीं तो मैं कल करवाऊंगी। ये संडे है ना, संडे के दिन सैलून में बहुत ज्यादा गर्दी होता है, तो गर्दी नहीं रहेगा तो कटवा लूंगी, और ज्यादा गर्दी रहेगा तो फिर नहीं कटवाऊंगी, मैं कल कटवाऊंगी। कल थोड़ा कम रहेगा, कल मंडे है, थोड़ा कम गर्दी रहता है। तू किधर है? 20:11:20 बाबू को लेके गई थी मैं पोलियो पिलाई। पोलियो पिलाने के बाद मैं उसको लगी थी सैलून में, सैलून में जाके उसके बाल कटवा दिए। बाल कटवाने में इतने नाटक कर रहा था बाबू ना, अब वीडियो में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत नाटक कर रहा था, मतलब बाल कटवाता ही नहीं। बड़े मुश्किल से ना उसको मोबाइल दिखा दिखा के ना कैसे बहका बहका के मैंने बाल कटवाया था। तो बाबू को नहलाई मैं, फिर मैं भी नहाई और फिर खाना बनाई मैं, दाल चावल बनाए थे और हम लोग खा लिए थे। खाना खाने के बाद जो भी घर के काम थे वो सब निपटा ली हूँ मैं। और मैं बोल रही थी कि मुझे ना कहीं पिंपल्स नहीं निकलते, बट ये ऐसे दाने जरूर निकल जाते हैं। मुझे कहीं बुखार होता है ना, तो फिर गर्मी से ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसे दाने दाने निकल ही जाते हैं। जब से ये दाने दाने निकले ना, मुझे इतना इरिटेट कर रहा है ना, मतलब मुझे इचिंग से भी होती है इसमें, हल्की हल्की से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इचिंग होती है। तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब ये होता है कि इसे इसको खुजला दू, वट तो इसको खुजला दिए ना, तो फिर उसमें से ब्लड निकल जाता है तो और भी दर्द होता है। तो फिर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो 2 दिन से मैं इसलिए अपना वीडियो भी नहीं बना रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ निकलता है ना मेरे फेस पे तो मुझे अजीब लगता है, कभी पिंपल्स निकले नहीं है और कभी दाने वाने निकल जाते हैं ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अभी चल रही हूँ मैं बनाऊंगी करंजी। थोड़ा सा मेरे पास मैदा है, शक्कर है और रवा है। तो एक दिन बाबू दूध नहीं पिया था बीच में, तो दूध बच गया था, उसका मैंने खोया बनाया है और शक्कर पीस के रख ली हूँ मैं। तो अभी चल रही हूँ मैं थोड़ा सा सूजी भूजूंगी, भूज के बनाऊंगी करंजी। और ये देखिए मैंने खोया बना के रख लिया, और ये 2 लीटर दूध का है। बाबू कभी कभी दूध पीता नहीं था, तो मैं से बना बना के रखे जा रही थी, तो इतना खोया बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने शक्कर को पीस लिया है, और यहाँ पे मैं ली हूँ ये सूजी, इसको भूज लूंगी मैं अच्छे से। अभी मैंने अपना रवा भूज लिया है, ये देखिए भूज के ठंडा कर ली हूँ मैं इसे। और यहाँ पे मैंने मैदा को भी गूंथ लिया है अच्छे से। अब चल रही हूँ सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके फिर करंजी बनाएंगे। जो मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा गीला है क्योंकि ना खोआ बहुत दिन का था, तो रखे रखे इतना ठंडा हो गया था, तो उसे मिक्स करने में थोड़ा सा गीला हो गया है, पर भर देंगे, भर के छानेंगे तो वैसे ही हो जाएगा।
इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं था, सूखा खोबरा भी नहीं था, तो इस टाइम जो भी चीज़ें थी मेरे पास वो सब डाल के मिक्स कर दी हूँ और बना लेती हूँ मैं अपने करंजी। थोड़ा सा गीला है बस, और तो ठीक लग रहा है मुझे खाने में, अच्छा लग रहा है वैसे, तो चलती हूँ मैं करंजी बनाती हूँ। और इसमें खोआ ना बहुत ज्यादा हो गया, इसके थोड़ा सा ज्यादा गीला हो गया है, खोआ ना ज्यादा बन गया था और सूजी थोड़ा कम पड़ी है इसलिए गीला भी हो गया है, तो कोई नहीं बन जाएगा। ये देखिए मेरा करंजी बन गया है, तो सारे करंजी बना लेती हूँ मैं इसी तरह, फिर फ्राई करूंगी। और ये देखिए करंजी मेरा बन गया, इतने सारे करंजी बने, बहुत ज़्यादा नहीं बने बट जितने मसाला था उतना सब मैंने बना के ख़त्म कर दिया है। तेल भी रख दी हूँ, गर्म हो गया है मेरा, अब मैं अपना करंजी भी छान लेती हूँ। क्या हुआ बेटू, रुको क्या हुआ बाबू, रुको देर ही भैया। करंजी मेरा बन गया, इसको निकाल लेती हूँ मैं, और इसमें कोई करंजी फूट गया इसकी वजह से ना थोड़ा सा मेरा तेल खराब हो गया है। और आपको बाबू की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी, बाबू खेल रहा है हॉल में, तो बन गया मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए सारे करंजी मेरे बन गए, और थोड़ा सा ना एक फूट गया था करंजी, जिसकी वजह से सारी करंजी पर ना हल्का हल्का सा उसके मतलब जो ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा जल गया था, सारी करंजियों पर लग गया है, बट खाने में बहुत टेस्टी है। मैं इनको दी थी, ये भी खा ली है, बाबू खाया, मैं भी खाई हूँ, और सारे करंजी बन गए हैं और खाने में बहुत टेस्टी है, तो ये भी खा लिए, बाबू ने भी खाया और मैंने भी खाया, खाके पानी पिया है मैंने। जल्दी उसको ठंडा करके मैं कंटेनर में रख दूंगी और किचन साफ करूंगी। और ये देखिए बाबू को पोलियो पिया है, दिखा रहा है, वो दिखा दो पोलियो पी के आया हूँ, दिखा दो सबको, दो मैं पोलियो, हाँ सबको दिखा दो बेटू मैं पोलियो पी के आया हूँ, दिखा दो ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये देखो मैं पोलियो पिया हूँ आज। अब ये कैमरा देख लिया ना, अभी खुद से बताएगा हर चीज, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कुछ, क्या बता दो। बाबू के बाल कौन काटे, बाबू बाल कौन काटा बता दो,
ये देखिए बाबू का मैंने बाल कटवाया, और बाल थोड़ा ज्यादा कटवाई नहीं हूँ, बस थोड़ा सा कटवाई हूँ साइड साइड का, मैं आगे का ऐसे रखी हूँ क्योंकि बाबू का बर्थडे नजदीक है, इसलिए बाबू के बाल जल्दी बड़े नहीं होते, इसलिए मैं ज्यादा कटवाई नहीं हूँ, थोड़े से कटवाई हूँ बाल के, तो खाली साइड साइड कट करवा दी हूँ ताकि इसको प्रॉब्लम होता था, कान के बाल आते थे बहुत प्रॉब्लम होने का, तो चिड़चिड़ करने के बार बार, तो ये तो मैं कटवा देती हूँ बाल इसके, तो बाल कटवा दिए मैंने, ये देखिए हमारे बाबू को। और अब मैं इसी साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिट्टू बाय कर दो। बाय तो बाय।